हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। हमारे पास कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा बच्चा रात को सोता नहीं है या बार बार उठता है, तो हमें क्या करना चाहिए या बच्चे को कैसे रात को आराम से पूरी रात सुलाएं। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ बेसिक टिप्स जिससे आप अपने बच्चे को पूरी रात बहुत आराम से सुला सकते हैं, और ये टिप्स हमने अपने बच्चे के ऊपर ट्राई की हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नींद छोटे बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब बच्चा 2 साल से छोटा होता है। नींद से बच्चे का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होता है, इसलिए बच्चे को अपनी एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग कितने घंटे सोना चाहिए, इसकी हमारी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो रात में बच्चे को आराम से सुलाने के लिए फर्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बच्चा रात को बार बार जग रहा है, स्पेशली सर्दी के मौसम में, तो उसका मेन रीज़न है कि बच्चे को ठंड लग रही है। इसलिए ठंड के मौसम में आपको बच्चे को अपने पास ही सुलाना चाहिए, अलग कॉट पर नहीं सुलाना चाहिए। बच्चे के नीचे एक ब्लैंकेट बिछा दीजिए और अपने से कोजी करके सुलाइए, जिससे बच्चे को आपसे गर्माहट मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो उस केस में आप पैर में बच्चे के कॉटन के सॉक्स पहना सकते हैं। बच्चा अगर रज़ाई नहीं ओढ़ता या कोई ब्लैंकेट नहीं ओढ़ता, उसे बार बार हटा देता है, तो हल्की कॉटन की कैप भी आप बच्चे को पहना सकते हैं। वूलन सॉक्स या कैप रात में बच्चे को पहना के सुलाना अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी ठंड के मौसम में हम बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना के सुला देते हैं, जिससे भी बच्चे की रात को नींद डिस्टर्ब होती है, इसलिए बच्चे को कॉटन के कपड़े पहना कर ही रात में सुलाएं। मोटे मोटे स्वेटर्स रात को पहना के सुलाना बच्चे को अवॉइड करना चाहिए। ठंड के मौसम में रात को सुलाने से पहले बच्चे के पैर के तलवे की मालिश सरसों के तेल से ज़रूर करिए, इससे बच्चे को बहुत आराम मिलता है, बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी नहीं होता। और सर्दी के मौसम में आप बच्चे के लिए ऑयल रूम हीटर का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल रूम हीटर छोटे बच्चों के साथ यूज़ करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को गैस की वजह से भी नींद रात में नहीं आती। अगर बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में जग रहा है तो उसका मतलब है कि बच्चे को गैस बन रही है, तो आप बच्चे की नाभि के आसपास हींग का पेस्ट बनाकर लगा दीजिए, या फिर आपको पता है कि आपके बच्चे को ज़्यादा गैस बनती है, तो सोने से पहले बच्चे के पेट की हल्के हाथों से मालिश कर दीजिए, जिससे बच्चे की गैस पास हो जाएगी। नेक्स्ट रीज़न है, अगर बच्चे का पेट खाली है यानी बच्चे को भूख लग रही है, तो उस केस में भी बच्चा बार बार जगेगा, तो आप उस केस में अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो आप उसे सॉलिड खिलाकर सुलाइए, उसके बाद ब्रेस्ट फीड कराइए, या बच्चा जो भी मिल्क लेता है उसे पिला के सुलाइए। और अगर बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो बच्चा फीड लेने के लिए रात में उठेगा ही, तो जैसे ही बच्चा थोड़ी हलचल करता तो उसी समय बच्चे को फीड करा दें, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी लेट कर देते हैं तो बच्चे की नींद खुल जाती है और फिर बच्चा सोने में बहुत परेशान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ भी आप बच्चे को सुला रहे हैं वहाँ की लाइट डिम रखिए, वहाँ पर ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए, और सुलाते टाइम बच्चे को लोरी ज़रूर सुनाइए, इससे बच्चा रिलैक्स फील करता है और बच्चे को अच्छी नींद आती है, या आप कोई म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।